वेलकम टू इंग्लैंड। लेकिन एक सेकंड, यहाँ में आया कैसे? तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। सबसे पहले आपको भाई पहुंचे बाल कटवाने, यहाँ फुल मोहल चल रहा था। क्या भाई ने बोला थोड़ी शोखिया मार लें। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। बुरा लगता है, बदनाम तो नहीं होगा अगर ये अब तो जिस और बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, कोई टूट गया मैं तो। अब क्या बोला तूने भाई, इसे छोटे नहीं कराने, बंदे का फ्यूचर तो कर दिया, कहता छोटे नहीं कराने। हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। उसके बाद आपका भाई निकल पड़ा इस्लामाबाद नेशनल एयरपोर्ट। अभी हम जा रहे हैं, कोई नहीं, पहला एक्सपीरियंस है, कोई पता नहीं कैसे क्या करना। बार भी हमने गिटार ली है, तो रोहन भी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यार कोरियन। इन सब के बाद आती है जुदाई। ये शक्ल याद रखे 2025 यूके, मेरी ये शक्ल याद रखे 2025 यूके। सब कुछ क्लियर कराने के बाद आपका भाई पहुंच गया वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में आपका भाई वेट कर रहा था। वेट करते करते आपके भाई को होगी थोड़ी सी थकन, तो आपके भाई ने सोचा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो आपका भाई ले आया सुपर, वो भी चॉकलेट वाला, साथ हमने थोड़ी सी स्टिंग भी चला ली। बहुत वेट करने के बाद हमारा प्लेन आ गया, तो अभी हम अपने प्लेन की तरफ से आ रहे हैं। अब हम प्लेन में बैठ गए। यार इस जैकेट का ब्रांड तो सुन करो, वैसे यार बाल तो प्यारे लग रहे हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। यहाँ से प्लेन चलना शुरू हो गया था, ऐसा लग रहा था प्लेन को 70 की जगह होंडा 125 का इंजन लग गया और ये व्हीली चुकने लग गया। ओए होए होए, एंड हम हवा में। Longer than a few minutes later. अब खाना आ गया, तो अभी हम खाना खाने लगे। खत्म। एक बार डिजर्ट पे गौर कर लिया जाए। आपके भाई ने गेम लगा ली। फाइनली जहाज दोहा में लैंड हो गया था, लेकिन ये बंदा पूरा टाइम जहाज में सोया था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जहाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गया था, एंड हम बसेस की तरफ जा रहे थे जो हमें सीधा दोहा एयरपोर्ट छोड़ेंगी। तो अभी हम सारे लाइन में खड़े हैं बसेस में बैठने के लिए,
अभी हम अपने सारा सामान लेके बस में खड़े हैं जो सीधा हमें दोहा एयरपोर्ट छोड़ेगी। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं दोहा एयरपोर्ट। दो एयरपोर्ट पे फिरने के बाद आपका भाई एक शॉप पे आ गया था। यहाँ से हमने एक पावर बैंक बाय किया। स्टे लंबा था तो आपके भाई को भूख लग रही थी, तो भूख पे नो कॉम्प्रोमाइज आपका भाई एक शॉप पे रुका और वहाँ से बर्गर बाय कर लिया। बर्गर चेक किया जाए, सॉसेज चिकन वाला, ओहो, एंड साथ थोड़ी सी कॉफ़ी। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ जहाँ से हमें प्लेन पिक करेगा और सीधा पहुँच जाएगा मैनचेस्टर एयरपोर्ट। यहाँ में कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे जिन्होंने मेरे साथ ही प्लेन में जाना था, तो बस हम बातें करने लग गए। अब हम वेटिंग एरिया आ गए और हम थोड़ा बहुत खुश हैं। अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। ब्रेकफास्ट डिसाइड। इस बार आपके भाई ने शर्म खा के गेम की जगह मूवी लगा ली। इतना अच्छा व्यू कैप्चर करने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। फाइनली प्लेन बस में जिस टाइम हम लैंड होने वाले हैं, एंड अब हम इंग्लैंड में हैं।